हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह कोटक 811 का इंटरनेट बैंकिंग आपके मोबाइल में चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके मन में कौन सा भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का जल्द से जल्द प्रति दूंगा। उसके साथ आप लोगों के लिए मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी बनाए है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आपको कोटक नेट बैंकिंग सर्च करना है। यहाँ आपको कोटक नेट बैंकिंग डालने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसके अंदर आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन नाउ ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले साइनअप करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। लॉगिन नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा, लेकिन आपके पास पासवर्ड तो नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको CRN नंबर डालना है। CRN नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा? जो आपका डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको CRN नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा CRN नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेरा CRN नंबर डाल दिया है, जो कि आपके कार्ड के ऊपर ATM कार्ड के ऊपर रहता है। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप क्या करोगे? CRN नंबर कहाँ से आपको मिलेगा? तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको कोटक CRN नंबर डालना है। यहाँ पर ये सर्च करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ से आपको एक मैसेज भेजना होगा। CRN नंबर मैसेज में टाइप करना होगा और जो 997 नंबर है उसके ऊपर आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ भेज दो, फिर तुरंत ही आपके मोबाइल के अंदर आपका CRN नंबर आ जाएगा। तो वही CRN नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है वो अच्छे से आप फिल करना होगा। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर दो और कंटिन्यू के अंदर क्लिक करो। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ मालूम होगा तो यहाँ पर क्लिक कर दो। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मालूम होगा तो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए मुझे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। सिर्फ आपको दो क्वेश्चन यहाँ से सबमिट करना है जो आपके ध्यान में हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। उसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं, जब भी आप कोटक 811 का जो ऐप डाउनलोड किया है उसके अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, या यहाँ पर फिजिकल पिन पर क्लिक करने के बाद आपके घर में 8 दिन के अंदर अंदर एक कोड आ जाएगा, वो कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिजिकल पिन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, एक्सपायरी डेट आना होगा, CVV कोड डालना होगा। CVV कोड आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का रहता है। उसके बाद कार्ड पिन के अंदर आपका डेबिट कार्ड का जो ATM पिन है वो डालना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा, 6 डिजिट का आपको पासवर्ड होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड एक बना लेता हूँ, जो भी आपके मन में रहेगा ध्यान में रहेगा वही पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया मेरा नया वाला, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मैसेज दिखाई देगा कि जो भी पासवर्ड रहेगा वो 6 डिजिट का आपको रहना चाहिए। बाद में जो नेक्स्ट 6 डिजिट है वो आपके मोबाइल नंबर पर या आपके ईमेल आईडी पर वो लोग भेज देंगे। तो आपको कौन सा भी नाम डालो उसके अंदर सिर्फ 6 डिजिट ही होना चाहिए। अगर आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उसके अंदर 7 या 8 डिजिट होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नाम डालो जिसके अंदर सिर्फ 6 डिजिट 6 कैरेक्टर ही हो। तो कोई भी आप नाम डाल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर 6 कैरेक्टर डाल देता हूँ, फिर जो अगले 6 कैरेक्टर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर वो लोग भेज देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर CRN नंबर जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर है वो यहाँ पर डालना होगा, और आपको एक मेल आया होगा उसके अंदर आपका पासवर्ड अवेलेबल होगा। यहाँ पर उन्होंने मेरा जो पासवर्ड है वो भेज दिया है। जो भी आपने 6 डिजिट का पासवर्ड बनाया है उसके अंदर आपको ये वाला नया वाला पासवर्ड लगाना है। तो जो आप 6 डिजिट का मैंने बोला था पासवर्ड बनाने के लिए, आपका नाम या कुछ भी उसके अंदर सिर्फ ये पासवर्ड जोड़ दो, फिर लॉगिन पर क्लिक कर दो, हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर CRN नंबर में जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर है CRN नंबर वो यहाँ पर डाल दो। उसके बाद पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया था 6 डिजिट का मैंने आपको बोला था वो डाल दो। उसके बाद जो आपके मेल आईडी पर जो 6 डिजिट लोगों ने भेजे सामने वाले ने वो 6 डिजिट डाल दो, दोनों कॉम्बिनेशन कर दो, हो जाएगा।
फिर सिक्योर लॉगिन पर क्लिक कर दो। तो फ्रेंड जो डायनेमिक कोड है वो लोग मुझे मेरे नंबर पर भेज देंगे या मेरे मेल आईडी पर। तो चलिए हम मेल आईडी चेक करेंगे। तो यहाँ पर डायनेमिक एक्सेस कोड यहाँ पर 902495 है। यहाँ पर आपका करंट एंटर करंट पासवर्ड, जो आपका 6 डिजिट का जो पासवर्ड है वो डालना होगा। उसके बाद जो 6 डिजिट का और उन्होंने भेजा है वो डालना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं करंट पासवर्ड डाल देता हूँ जो आपने 6 डिजिट का पहले बनाया था वो। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपके मेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर आया है वो आपको डालना होगा, उसका कॉम्बिनेशन पूरा डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर न्यू पासवर्ड, यहाँ पर आपके जो ध्यान में रहेगा वो पासवर्ड आप डाल दो। यही पासवर्ड आपका फाइनल पासवर्ड बनने वाला है, तो जो आपके ध्यान में हो वही पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दो। उसके बाद गो पर क्लिक कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका नेट बैंकिंग सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट ज़रूर करो, या फेसबुक इंस्टाग्राम का जो भी लिंक है सोशल मीडिया का वो मैंने दिया हुआ है आपको वीडियो के नीचे, वहाँ पर जाकर फॉलो करो मुझे, मैं आपके मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई दे दूँगा। फ्रेंड्स लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।